भाई ये रोलर नहीं प्रेस मशीन है, एकदम पूरा रोड वाइब्रेट करता है, थर 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 थर। लोग ये मटेरियल बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, इसलिए हैंड ब्रेक लगा करके नीचे उतर के धीरे धीरे खाली करना पड़ता है, टेपर देख करके अंदर से पता नहीं चलता बैठने पे उतना क्लियर। दोस्तों समय का 1 बज गया और हाटी पहुंच गए थे और अभी सब्जी लेने जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी अचानक से ध्यान पड़ा कि भाई कल ही अपना गैस ख़त्म हो गया है मछली बनाते टाइम, और याद ही नहीं, कहीं भरवाए भी नहीं है, और यहाँ हाटी मार्केट में कहीं छोटा गैस भरने वाला दुकान नहीं है। अब लफड़ा हो गया, समय का 1 बज गया, खाना खाने का टाइम हो गया। तो भाई अपना खाना देखिए इधर आ गया है, हाफ दाल फ्राई है और हाफ चना मसाला, बाकी का इधर रोटी है। पानी क्या केमिकल ऐसे रहता है पूरा अंदर में, कल उसका मोबाइल जैसा हो गया। भाई लोग लोडिंग पॉइंट में पहुंच गए हैं और आज पापा का और मेरा दोनों गाड़ी साथ में लोड हो रहा है, दो दो लोड रहे आज। तो चलिए अब यहाँ से लोड वोड लेके फटाफट से निकलेंगे, तो आज सोने का टाइम अच्छा मिलेगा पहले पहले अगर पहुँच जाएंगे तो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई लोग आज समय का 11:30 हो गया और धरमजयगढ़ हम लोग को आए हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया है, तो खाली करवाने वाला आज थोड़ा लेट से आया है क्योंकि रोड में कहीं काम चल रहा था तो सुपरवाइज़र बिजी था, इसलिए अभी आया है। तो मेरा गाड़ी भी खाली नहीं हुआ है, उधर देख सकते हैं पापा गाड़ी तो आगे में देखिए खाली हो गया है, वो जो लेफ्ट में खड़ा है पापा गाड़ी है, और ये कंपनी वाला गाड़ी उधर सामने में भी खाली कर रहा है एक, और उसके बाद मेरा गाड़ी का नंबर आएगा अभी इधर, मैं जाऊँगा फिर खाली करने के लिए। तो चलिए अभी नाश्ता वास्ता तो पापा लोग रास्ते में ही कर लिए थे, आज मैं होटल में नाश्ता नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत बेकार है सब, तेल वाला इधर का बड़ा वगैरह मिलता है, तो आज नाश्ता में 6 केला खाया हूँ और चना रात में भिगाया था वही खा लिया हूँ। तो अभी खाली वाली करके देखेंगे कुछ खाना पीना बनाने का प्रोग्राम अपना। भाई ये रोलर नहीं प्रेस मशीन है, एकदम पूरा रोड वाइब्रेट करता है, थर 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 थर। लेकिन कितना भी हैवी हो तो हम लोग का गाड़ी इससे ज्यादा हैवी नहीं है, हम लोग का टायर देखे चढ़ा फिर से ऐसे हो गया तुरंत, ये रोड फिर से इसको बनाएगा बढ़िया। चलिए लगभग में वो गाड़ी खाली हो ही गया है, थोड़ा मोड़ा बचा है, बात चलते हैं खाली करने के लिए अपन। दोस्तों हर बार ये समस्या मेरा ही गाड़ी खाली करते टाइम पता नहीं क्यों आता है, फिर से आगे में देखिए ऊपर में अब तार है, अब तार के आगे फिर खाली करना पड़ेगा, और ये जगह भी थोड़ा तिरछा है, सीधा है नहीं, तो इसमें थोड़ा डर रहता है गाड़ी वाड़ी का। चलिए देखते हैं खाली करके, वो तो जाना चाहिए फिर भी, इसीलिए हम लोग 2-3 ड्राइवर साथ में खाली करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। एक बार खाली करने के बाद बढ़ाना ही पड़ेगा, वो खाली करवाने लगे किधर है जी, हमको क्या पता, अब खाली करना है ना, उठाए कि नहीं डाला, आके फिर बोलेगा कि नहीं बोले थे हम, यही पढ़ते थे दोनों को, कहने गए क्या मालूम यार। चलिए ना खाली करते हैं, बोला तो है खाली करने के लिए, तार है ऊपर में। अच्छा चला ना, एक दो बार खाली करके फिर उसके आगे करेंगे, होगा करेंगे, और यहाँ भी थोड़ा सा तिरछा जगह है यार, ब्लेड सही से लोग मार नहीं रहे रोड में लोग, ये मटेरियल बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, इसलिए हैंड ब्रेक लगा करके नीचे उतर के धीरे धीरे खाली करना पड़ता है, टेपर देख करके अंदर से पता नहीं चलता बैठने पर उतना क्लियर। और आगे अभी वो बंदा ज़्यादा होशियार बन रहा था, उसके रास्ते पे ही गिराया हूँ। तो दोस्तों चलिए मटेरियल तो अपना खाली हो गया है और चलते हैं, अब देखते हैं पापा कहीं रास्ते में बोले हैं कि सब्जी वब्जी लेकर के कुछ खाना बनाएंगे दोपहर में, क्या है कि वो होटल में दोपहर का खाना ठीक नहीं देता है जहाँ हम लोग खाते हैं, और है आज टाइम भी तो बना लेंगे खाना दोपहर में। और अभी यहाँ से हाटी लगभग वही 30-35 किलोमीटर के आसपास है, उधर ही कहीं सब्जी लेंगे या रास्ते में भी कोई अच्छा
साइकिल वाया कोई मिल गया सब्जी के लिए तो ले लेंगे सब्जी, और वहीं क्रेशर में चल के खाना वाना बनाएंगे क्योंकि हम लोग को जाते तक तो वहाँ भी लंच हो जाएगा, तो वहीं खाना पीना बना करके खा लेंगे और लोड लेके फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे। चलते हैं अभी फटाफट से, आज थोड़ा लेट करवा दिया है खाली करने में, रोज़ का कहीं ना कहीं हम लोग को लेट हो ही जा रहा है, इसके वजह से एक ट्रिप से ज़्यादा नहीं लग पा रहा है। यहाँ का क्या है कि रोड भी वैसी ख़राब है और ऊपर से कभी खाली करवाने में लेट, कभी लोडिंग में लेट, तो कभी रास्ते में लेट, तो अब उतना ज़्यादा टेंशन बेकार है, इससे अच्छा है कि ट्रिप रोज़ का लग पा रहा है उससे ज़्यादा नहीं लग पाएगा। तो चलिए अब चला जाए, पर्ची भी अपना भी रिसीविंग नहीं हुआ है, आगे में बोला है रिसीविंग देने के लिए, उसके बाद चलेंगे। दोस्तों समय का एक बज गया और हाटी पहुंच गए थे और अभी सब्जी लेने जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी अचानक से ध्यान पड़ा कि भाई कल ही अपना गैस ख़त्म हो गया है मछली बनाते टाइम, और याद ही नहीं, कहीं भरवाए भी नहीं है, और यहाँ हाटी मार्केट में कहीं छोटा गैस भरने वाला दुकान नहीं है। अब लफड़ा हो गया, समय का एक ही बज गया, खाना खाने का टाइम हो गया, तो अब होटल में ही खाना पड़ेगा हम लोग को। चलते हैं आगे, अब होटल में खाना वाना खाते हैं और देखते हैं, गैस तो भरवाना एकदम से ज़रूरी हो गया, कल याद था लेकिन फिर भूल गए, उसके बाद अभी अचानक से ध्यान पड़ रहा है जब सब्जी वब्जी लेने गए। तो चलिए अभी चल के भरवा लेते हैं गैस वगैरह, उसके बाद खाना पीना तो भाई बनेगा ही बनेगा, और कल संडे है तो हो सकता है बकरा भी बनेगा कल। तो भाइयों आज पहले जहाँ रुकते थे ढाबे पे नहीं रुके हैं, आज ये नया ढाबे पे रुके हैं, किंग ढाबा, देखते हैं आज यहाँ खाना कैसे मिलता है। वहाँ का खाना आप पसंद नहीं आ रहा था इसलिए आज यहीं पे रुके हैं, आज ढाबा चेंज कर दिए, अरे वहाँ एकदम बेकार खाना दे रहा था, देखते हैं यहाँ खा के आज कैसा दे रहा है। चलिए जी पर हाँ धोइए फटाफट, रजनीश जी देखना चाहिए होटल एक ही बार के एक ही जगह कितना खाइएगा, नहीं नए नए जगह के ट्राई करते रहना चाहिए, सबको बड़ा बनाइए नहीं, सबका होटल चलना चाहिए धीरे धीरे। तो भाई अपना खाना देखिए इधर आ गया है, हाफ दाल फ्राई है और हाफ चना मसाला, बाकी का इधर रोटी है, रोटी नॉर्मल है, तंदूरी नहीं है, लेकिन बहुत पतला है, बढ़िया है रोटी। कैसा है यहाँ का दाल? दाल तो अभी समझ में नहीं आया मसाला को। चना मसाला कैसा खा के बताइए, चना मसाला दाल भी तो बढ़िया है, हमको ठीक लगा दाल। और मंगरू जी भुजी तेरी कैसा है, वहाँ से ठीक है कि नहीं? तो भाई किंग ढाबा में तो आज हम लोग को खाना सस्ता ही मिला, अभी हाफ चना मसाला और हाफ दाल फ्राई, 12 रोटी और क्वार्टर चावल पापा लिए थे, तो टोटल 190 रुपया लिया, जो कि कुछ खास नहीं है, बड़ा बड़ा होटल में तो 300 रुपये आराम से हो जाता है, इतना तक 250-300, लेकिन रेट सही है खाना का। तो चलिए अगर जब होटल में खाना होगा तो अगर टाइम रहेगा तो यहीं पे खाएंगे, नहीं तो बाकी का तो फिर अब बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बनाए हुआ से बेटर कोई खाना हो नहीं सकता है। तो चलिए अब लोडिंग के लिए चलते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, लोड आउट करते तक हम लोग को लगता है रात हो ही जाएगा, अब अभी समय का लगभग 2:30 बज ही गया है, जाते तक अभी 3:30-4 बज ही जाएगा और लोड आउट करते तक रात हो ही जाएगा हम लोग को। पूरा टंकी में आग लग गया था, पानी नहीं जाता है, कल उसका मोबाइल जैसा हो गया, बोले नहीं हो जाएगा, पानी था इतना नहीं, नहीं पाया जल रही चलिए ठीक है। भाई लोग लोडिंग पॉइंट में पहुंच गए हैं और आज पापा का और मेरा दोनों गाड़ी साथ में लोड हो रहा है, दो दो लोड रहे आज, तो चलिए अब यहाँ से लोड उड़ लेके फटाफट से निकलेंगे, तो आज सोने का टाइम अच्छा मिलेगा पहले पहले अगर पहुंच जाएंगे तो। क्रेशर भी अभी चल रहा है, दो दो क्रेशर इसका एक ये है और एक इधर भी है, तो बड़ा क्रेशर है ये और ये वाला छोटा क्रेशर है, इधर माइंस। तो भाई लोग अभी समय का 7:30 हो गया है और ढाबा पे मैं पहुंचा हूँ अभी, हम लोग मतलब साथ में ही लोड हो रहा था, तो पहले मेरा लोड हुआ था उसके बाद पापा का, तो मैं पहले निकल गया था, फिर पापा बोले कि आगे में चलो, चल के खाना वाना कहीं बनाएंगे,
और मैं लगभग 10 किलोमीटर आगे आ गया तो कॉल कर रही कि उनका गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो भाई खाना वाना का प्रोग्राम अपना आप कैंसिल करना पड़ेगा, क्या है कि वो 10 किलोमीटर पीछे हैं, टायर वगैरह बनवा के आते तक उनको 9-10 रात बच जाएगा। तो तब तक हम होटल में इधर खाना खा लेते हैं। तो चलिए भाई लोग, आज के ब्लॉग कहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से आप लोगों को मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में। और जैसे आप लोग अभी सपोर्ट करते हैं वैसे करते रहेगा, और वीडियो अब एक दो दिन से वीडियो पहले के मुकाबले कैसी आ रही जरूर बताइएगा। तो चलता हूँ अभी के लिए, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय।